हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अलीशा आप सभी का वेलकम करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अलीशा साठ। दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद मैंने कुछ प्लान शॉपिंग किया और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कुछ मैंने प्लान्स ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया, क्योंकि इनको लाते वक्त ये एक पॉलीथीन में, ये तो तीनों प्लान्स थे जो पॉलीथीन मेरी स्कूटी से गिर गया और प्लान्स निकल आए थे अपने बैग से, तो मुझे उन्हें आते ही रिपोर्ट करना पड़ा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लेके आई हूँ ये वाइट कलर का रोज़ का प्लांट, और ये मैं 80 रुपीज़ में लेके आई हूँ। मेरे पास कुछ अलग कलर्स के तो हैं, जैसे रेड, पिंक, येलो, लेकिन वाइट वाला मेरे पास नहीं था, तो मैं इसलिए इसको लेके आई हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों ये पोर्चुलाका। एक्चुअली मैं पोर्चुलाका ही लेने गई थी, लेकिन साथ ही साथ बाकी प्लांट्स भी आ गए। आपको तो पता ही है, जो प्लांट लवर्स होते हैं वो जाते तो हैं एक प्लांट लाने के लिए, लेकिन साथ में 7-8 भी आ जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो ये मैं पोर्चुलाका लेके आई हूँ। बंडल्स में वो बेच रहे थे, तो पर बंडल एक कलर का प्लांट्स था और प्राइस 10 रुपीज़ बोल रहे थे, तो मैं इस तरह से 5 बंडल्स लेके आई थी अलग अलग कलर्स में। और आते ही मैंने इन्हें निकाल के इस तरह से पानी में रख दिया ताकि वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट दोस्तों, मैं लाई हूँ ये डुरांटा ग्रीन वाला, और ये मैं 2 लेके आई हूँ और प्राइस 20 रुपीज़ है दोस्तों। दोस्तों एक बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि फ़िलहाल जो प्लांट्स के प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं कोरोना के बाद से। और ये तो पहले 5-10 रुपए में मिल जाते हैं, लेकिन अभी 20-20 रुपए लिया है उन्होंने, तो ये मैं लेके आई हूँ। मेरे दिमाग में गार्डन मेकओवर के कुछ आइडियाज़ हैं, तो उसी के लिए मैं ये प्लांट्स लेके आई हूँ, और वो आइडियाज़ मैं ज़रूर इन फ्यूचर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब मैं उन्हें एग्जीक्यूट करूँगी। ये है बहुत ही खूबसूरत फूल खिलने वाला पेंटस का प्लांट। मेरे पास दोस्तों ये पहले था, लेकिन बरसात में ख़राब हो गया था, तो इस बार मैं फिर से लेके आई हूँ। और इस बार मैं मतलब श्योर, आई विल मेक श्योर कि ये प्लांट मेरा ख़राब ना हो, अच्छे से रह जाए। तो ये जो है ये रानी पिंक कलर का फ्लावर आता है दोस्तों, ये मैं 100 रुपीज़ में लेके आई हूँ कसारी फ्लावर मार्केट से। काफ़ी हेल्दी प्लांट है और 100 रुपीज़ आई थिंक ठीक ही है प्राइस। उसके बाद दोस्तों मैं लाई हूँ ये 3 कैलेडियम के प्लांट्स। समर में अपने गार्डन को मतलब रंग कलरफुल बनाने के लिए कैलेडियम्स एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहते हैं। ये जो ग्रीन वाला है दोस्तों, इसके लिए मैंने 150 पे किया है। फिर ये वाला, ये थोड़ा कॉस्टली है, इसको मैंने 500 में परचेज किया है। और ये छोटा वाला, ये मैंने 150 रुपीज़ में इसको परचेज किया है। ये वेराइटीज़ मेरे पास नहीं थी, तो इसीलिए मैं इनको लेके आ गई हूँ। और आप देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा लग रहा है तीनों एक साथ। इनको मैं मिक्स मैच करके बाकी कैलेडियम्स के साथ रखूँगी, और इससे मेरे गार्डन का लुक और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ये है क्रोसेंड्रा, ये भी मेरे पास पहले था, लेकिन सेम बारिश में और काफ़ी ज़्यादा मिलीबग अटैक के वजह से मेरा ये प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो गया। ये मैं दूसरी बार इस प्लांट को लेके आई हूँ। देखिए कितने प्यारे कलर के फ्लावर्स आते हैं। और दोस्तों, जो मेरा पहला प्लांट था उसमें इतने भर भर के फ्लावरिंग हुई थी कि मैं क्या बताऊँ आपको, तो इस बार मैं फिर से इसीलिए लेके आई हूँ। समर में बहुत ही प्यारे फूल खिलते हैं, इसमें बहुत ही प्यारा लगता है, और ये कटिंग से बहुत इजीली ग्रो होता है। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर प्लांट के 3-4 और प्लांट्स बनाऊँगी, जिसमें जब फूल आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। उसके बाद मैं लेके आई हूँ ये नीम का प्लांट दोस्तों। एक्चुअली मैं 2 लेके आई थी, मेरे लिए नहीं, मेरे पास तो ऑलरेडी नीम का एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है। ये मैं अपनी दीदियों के, मेरी 2 दीदियाँ हैं, उनके लिए लेके आई हूँ। ये देखिए, ये मेरा वाला है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेड़ बन चुका है। मैं ऐसे ही छोटी सी सैपलिंग लेके आई थी। और ये जो बड़ी दीदी का प्लांट मैं उनको भेज चुकी हूँ, ये छोटी दीदी का है जो घर के पास ही रहती है हमारी, तो वो अभी तक लेके नहीं गई, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ।
तो ये नीम का प्लांट मैं लेके आई हूँ और इसके लिए मैंने 70 रुपीज़ पे किया है, तो दोनों प्लांट्स में मैंने 140 रुपीज़ पे किया है। उसके बाद गर्मियों का एक और बहुत ही प्यारा सा प्लांट है ये गॉम्फ्रीना के प्लांट्स। दोस्तों तीन कलर्स में आते हैं, रानी पिंक, पिंक और वाइट कलर में, और एक बार आप इसको लाएंगे तो फिर दोबारा परचेज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी सीड्स अपने आप गिर के नए नए प्लांट्स बनते ही रहते हैं। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बहुत ही प्यारे से फूल खिलते हैं इसमें, देखिए कितना प्यारा कलर है ये वाला, है ना। तो जब गार्डन में इस तरह के फूल लगे रहेंगे तो उस गार्डन की खूबसूरती को तो बस आप देखते ही रह जाओगे, है ना दोस्तों। और ये मैं चार प्लांट्स लाई हूँ 100 रुपीस में, मतलब 25 रुपए में एक प्लांट में लेके आई हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा प्लांट शॉपिंग हॉल, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम प्लांट्स बहुत ही कम प्राइस में मैंने परचेस किया है, सिवाय एक कैलेडियम को छोड़ के जिसमें मैंने 500 पे किया है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये परचेज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।